बीएससी पार्ट थर्ड के मेरे सभी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स में वन डायमेंशनल बॉक्स की जो प्रॉब्लम है वो अपने स्टडी की थी लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो में उसके आगे का वर्जन, और जो कि इम्पोर्टेंट वर्जन भी है उसका, क्योंकि एग्जामिनेशन में 3D बॉक्स कोई पूछा जाता है, एक विमी बॉक्स यानी 1D बॉक्स तो केवल एक बार सीखने के हिसाब से होता है। तो आज 3D बॉक्स को अपन लेके चल रहे हैं। जो बॉक्स आपके घर में होता है, जो आप बॉक्स देखते हो, वो 3D बॉक्स ही होता है एक्चुअली। चूंकि बॉक्स की लंबाई भी है, बॉक्स की चौड़ाई भी है, और बॉक्स की क्या होती है, हाइट भी होती है, तीनों उसकी भुजाएँ होती हैं, तो उसको 3D बॉक्स कहते हैं। और 3D बॉक्स की जो दीवारें हैं, आप देख पा रहे हैं, दीवारें जो होती हैं, उन दीवार, अगर कोई कण इसमें अंदर गतिशील है तो वो जो कण है वो एक्स अक्ष की तरफ चलेगा तो एक्स अक्ष की लंबत भुजाओं से टकराएगा, और जब वाई अक्ष की दिशा में गतिशील होगा तो वाई अक्ष की लंबत जो दीवारें हैं बॉक्स की उनसे टकराएगा, और जब ऊंचाई की तरफ गतिशील होगा तो लंबत दीवारों से टकराकर, यानी मींस क्या हुआ कि जो बॉक्स की दीवारें होती हैं 2, 4 और ये 6 जो दीवारें होती हैं, वो दीवारें इस कण के लिए ऐसे होती हैं मानो कि इन दीवारों की जगह पर अनंत मान का विभव लगा हुआ है, क्योंकि अनंत मान का विभव ऐसे कार्य करता है जैसे कि कण उस तरफ उसको क्रॉस करके जा ही नहीं सकता है। जैसे कि मैंने ये सब चीज़ें आपको एक विमीय बॉक्स के संदर्भ में भी विस्तृत रूप से चर्चा की हुई है। तो अब इस गतिशील बॉक्स में गतिशील कण की आयगन फलन क्या क्या हो सकते हैं संभावित, और इसके आयगन मान क्या क्या हो सकते हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो इम्पोर्टेंट घटना है क्वांटम मैकेनिक्स की, डीजनरेसी ऑफ लेवल्स यानी ऊर्जा में अपभ्रष्टता का क्या अर्थ होता है उसको पढ़ेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 3D बॉक्स में गतिशील कण की तरंग फलन व ऊर्जा के व्यंजक ज्ञात करवाने जा रहा हूं। आइए प्लीज। यस, ये आप जो देख पा रहे हैं 3D बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिख रही है क्रमशः ए इसकी लंबाई है, बी इसकी चौड़ाई है, सी इसकी हाइट है, और एम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल, जैसे ये एम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है, ये इसमें गतिशील है, और इस कण की आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू को ज्ञात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि कण के लिए, जो गतिशील कण है, इसके लिए श्रोडिंगर समीकरण को लिखते हैं, पता करते हैं। चूंकि सभी को आपको पता है श्रोडिंगर इक्वेशन, मैंने आपको कह रखा है कि आप इसको बिल्कुल कंठस्थ रखिए, डेल टू साई प्लस 2m/h² e-v साई इज इक्वल टू 0। पुनः याद दिला दूं, ई कुल ऊर्जा है, वी कण की स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। अब चूंकि ये मुक्त कण है, फ्रीली घूम रहा है, इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, कोई उसको दबाव नहीं है, कोई भी इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये फ्रीली मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा होता है तो वी का मान कितना होता है, 0 होता है, जो आप देख पा रहे हो। तो यहाँ वी का मान क्या रख दिया आपने, 0, और ये वी का मान 0 रखते ही क्या, केवल ई रह गया, तो ट्वाइस me/h² साई इज इक्वल टू 0। अगर डेल टू साई को अपन अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल टू साई अपॉन डेल x² प्लस डेल टू साई अपॉन डेल y² प्लस डेल टू साई अपॉन डेल z² प्लस ये है 2m/h² साई इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 है, यानी ये गतिशील कण के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है जो कि 3D बॉक्स में गतिशील हो रहा है। अब समीकरण 1 का हल क्या होगा, यानी साई के मान क्या होंगे, यानी आइगन फलन के मान क्या होंगे, यानी तरंग फलन के मान क्या होंगे, वो अपन निकालने जा रहे हैं। माना ये जो इक्वेशन है
श्रोडिंगर समीकरण है, जो गणितीय समीकरण है, इसका हल साई जो किसका फलन है, एक्स वाई जेड का, वो माना क्या है, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। कैपिटल जेड किसका फंक्शन है, स्मॉल जेड का। कैपिटल वाई किसका फंक्शन है, केवल वाई चर राशि का। कैपिटल एक्स का फंक्शन है केवल स्मॉल एक्स चर राशि का। क्लियर। सो द साई इज इक्वल टू व्हाट, सपोज एक्स वाई जेड तीनों का क्या है, पहले बड़ी एक्स निकालेंगे, बड़ी वाई निकालेंगे, बड़ी जेड निकालेंगे, फिर इनका गुणा कर देंगे, तो कंप्लीट हल आपको प्राप्त होगा साई, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। तो समीकरण नंबर दो ये जो है, इसको हल ज्ञात करने के लिए या इसका मान ज्ञात करने के लिए, इस समीकरण नंबर दो को कहाँ रखने जा रहे हैं, समीकरण नंबर एक में। अगर समीकरण नंबर दो समीकरण नंबर एक का हल है तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अपन क्या करेंगे कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, पृथककरण की जो विधि है उसके द्वारा इसको क्या करने जा रहे हैं, चरों के पृथककरण की जो विधि है उसके द्वारा इसको क्या करने जा रहे हैं, सरल करने जा रहे हैं। तो आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि सरल करने का, उसका कैसे सरल करते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ जहाँ साई है वहाँ पर एक्स वाई जेड लिखेंगे और एक्स अंदर रह जाएगा और वाई जेड कहाँ आ जाएगा, बाहर। और लगे हाथों क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड का भाग भी लगा रहे हैं। ये किसका फलन है, स्मॉल वाई का, तो यहाँ क्या बाहर आ जाएगा, इसमें से वाई अंदर रह जाएगा, एक्स जेड कहाँ आ जाएगा, बाहर, एक्स वाई जेड। सेकेंड ईयर में एक किताब चलती थी जिसमें आपने यूनिट फाइव जो है, यूनिट फोर जो है, उसमें आपने पढ़ा था चरों के पृथक्करण की विधि, वही विधि है ये। इस तरीके से ये अंदर किसका फलन है, जेड का, ये जेड तो अंदर, कैपिटल जेड अंदर आ गया, कैपिटल कैपिटल वाई कहाँ रह गया, बाहर। इस तरीके से ये आ गया। अब टू एम अपन एच स्क्वायर और ई है ही है, साई की जगह क्या रख दिया, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का पूरे में क्या लगा दिया है, ये भाग। इसको बोलते हैं चरों के पृथक्करण की विधि, जैसे कि आपको सेकंड ईयर में प्रचुर मात्रा में इसको कराते हैं। वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, क्या बचा नीचे, कैपिटल एक्स, यहाँ क्या बचा, कैपिटल वाई, यहाँ क्या बचा, कैपिटल जेड, ये देख पा रहे हैं आप। और ये एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचेगा, ट्वाइस एम यू अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो समीकरण जो दिख रहा है आपको, ये आप देख पा रहे हैं कि ये इसके केवल एक्स का फलन है, ये केवल वाई का है, ये केवल जेड का है, और ये इसके साथ में कोई भी राशि है जो चल रही है, ये एक्स वाई जेड पर डिपेंड नहीं कर रही है। क्लियर। अब इसको और आगे बढ़ते हैं कि इसको हल निकालने जा रहे हैं। जैसे ये तो ऐसे रहने, तो इसको मान लो, ये जो चीज़ है इसको मान लो, ये के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई जेड स्क्वायर का मान ये है। क्लियर, ये वाला मान, वेयर, देखो देखो ये लिखा हुआ, वेयर के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई प्लस के जेड स्क्वायर बराबर ट्वाइस एम ई अपॉन एक्स स्क्वायर, नंबर तीन से मैंने इसको कर रखा है। अब इसमें से ये जो कैपिटल एक्स वाला है, के एक्स स्क्वायर के साथ लिख दो बराबर जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं इनको अलग अलग। ये कैपिटल वाई का है, के वाई की स्क्वायर के साथ में लिख दो बराबर जीरो, और ये जो कैपिटल जेड का है उसको के जेड स्क्वायर के साथ में लिख दो, ये लिख दिया आपने तीनों, एक दो तीन, इस तरीके से समीकरण नंबर चार है। क्लियर। अब समीकरण नंबर चार को देखोगे आप, इस कैपिटल एक्स को यहाँ गुणा कर दोगे बराबर जीरो हो जाएगा, इस वाई को यहाँ गुणा कर दोगे कैपिटल वाई ये जीरो हो जाएगा, जेड का गुणा यहाँ कर दोगे, यानी समीकरण नंबर चार ये जो है इनको ऐसे 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 भी आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये क्या है, समीकरण नंबर तीन जो आपने माना हुआ है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर ट्वाइस एम ई अपॉन एच स्क्वायर। अब जो आप चीज देख पा रहे हैं, अब क्या है, अब क्या लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस क्या होगा कि जैसे एक्स बराबर जीरो पर जो दीवार है बॉक्स की, उस पर साई बराबर जीरो है क्योंकि कण बाहर नहीं जा सकता। एक्स बराबर ए जो उसको सामने वाली दीवार है समांतर, उस पर भी साई का मान जीरो होगा क्योंकि उससे भी कण बाहर नहीं जा सकता। और वहां पर क्या लगा हुआ है, मानो अनंत मान का वी लगा हुआ है इस तरीके से। तो x बराबर a पर साई का मान जीरो है, x बराबर a पर भी साई का मान जीरो है। इस समीकरण को जैसे वन डायमेंशनल में रखा था वैसे ही यहाँ रख रहे हैं। देखें आप, माना x बर, x का x बराबर क्या आएगा, a साइन के एक्स एक्स प्लस बी साइन के एक्स एक्स। ठीक है, x बराबर रखा जीरो, स्मॉल x बराबर जीरो रखोगे साइन ये वाला पर जीरो हो जाएगा, कॉस का मान भी जीरो रखोगे एक हो जाएगा, b का मान क्या आएगा जीरो।
अब बी के मान को जीरो को वापस यहाँ रख दो तो क्या बचेगा, कैपिटल एक्स बराबर ए साइन के एक्स एक्स बचेगा, क्लियर। अब फिर रख दो दूसरी बाउंड्री को एक्स बराबर ए पर, इस एक्स बराबर ए पर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो तो रखो तो के एक्स ए बराबर जीरो हो जाएगा और के एक्स ए बराबर एन पाई और के एक्स इज इक्वल टू एन वन, माना ये एन वन है, एन वन पाई अपॉन ए। इसी प्रकार से के वाई बराबर एन टू पाई अपॉन बी आएगा वहां पर, क्योंकि जो वाई जो एक्सेस है वहां पर क्या है उसकी चौड़ाई है बी है। के थ्री के जेड बराबर क्या आ जाएगा एन थ्री, मान लोगे कोई कॉन्स्टेंट पाई अपॉन सी, क्योंकि जेड एक्स के सारे उसकी ऊंचाई क्या है सी है। तो एक निकाल लिया आपने ए वाला, बी और सी वाला, इस तरीके से आप इनको निकाल लोगे, ठीक है। ये रफ काम है यहाँ से यहाँ तक का, इसको मैंने फेर करके लिखा है। अब जैसे ए जो आया है ये वाला, अब जैसे ए आएगा साथ में यहाँ रख देंगे इस मान को, ए का मान अपन ने पहले वन डायमेंशनल बॉक्स में निकाला हुआ है, इसका मान कितना आया था, अगर ये तरंग फलन को आपको नॉर्मलाइज करना है तो इसका मान 2/a का रूट आया था। जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं उससे पहले वन डायमेंशनल बॉक्स वाले वीडियो देखेंगे, तो 2/a का रूट आ गया था साइन एन वन, वहाँ क्या आया था एन पाई अपॉन ए इंटू एक्स आया था, यहाँ क्या आएगा एन वन पाई स्मॉल ए एक्स। इसी प्रकार वाई का मान क्या आ जाएगा 2/b का रूट साइन एन टू, यहाँ एन वन है यहाँ क्या एन टू पाई, यहाँ क्या आ जाएगा बी और एक्स की जगह क्या जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। जेड बराबर क्या आएगा 2/c साइन एन थ्री पाई सी अपॉन जेड का, यानी आपने एक निकाल लिया है तो बाकी आप जल्दी से इनको रख सकते हो। जैसे 2/a 2/b 2/c रूट, ये क्या आती है इनकी, ये क्या है इनका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस कहलाते हैं। अब इस साई को, साई बराबर क्या है समीकरण एक से, एक्स वाई जेड के बराबर है। ये जो साई जो माना हुआ है वो क्या माना हुआ है, साई बराबर क्या माना हुआ है एक्स वाई और जेड। अब ये वाला जो मान है, यानी ये एक्स वाई और जेड के मान है, ये कहाँ रखने जा रहे हैं अपन, ये यहाँ रखने जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या आ गया, ये 2/a 2/b 2/c का रूट और तीनों साइन एन वन एन टू एन थ्री वाले क्या आ गए, पद आ गए, और दो दूनी चार आठ, आठ ए बी सी एक साथ लिख दो इनको, साइन एन वन पाई अपॉन ए एक्स साइन एन टू बी और एन थ्री पाई सी जेड। ये क्या आ गया समीकरण नंबर 6, ये क्या आ गया तरंग फलन का मान आ गया है। केवल जो रफ काम है वो कौन सा है इसमें, ये वाला रफ काम है जो मैंने रफ काम कर दिया है, और आप जो वन डायमेंशनल बॉक्स है उसको भी आप देखेंगे, फिर उसको आप फिर इसको पढ़ेंगे। तो ये बच्चों यहाँ तक क्या हुआ कि तरंग फलन का मान आ गया, यानी जो गतिशील कण है उसकी तरंग फलन क्या 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 है, और ये आपने ज्ञात। कल क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी में ही तरंग यानी आइगन वैल्यू के मान क्या होंगे कण के, यानी ऊर्जा के मान क्या होंगे, और आपको पढ़ाऊंगा मैं कि डीजनरेसी क्या होती है, अपभ्रंशता का मान कैसे निकालेंगे, जो कि इस चीज़ को पढ़ने का उद्देश्य केवल वही है, डीजनरेसी किसे कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप गंभीरता से इनको देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और वीडियो को आप गंभीरता से देखें और समझें, पढ़ें, नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।